अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आप सभी का देसी तड़का विश्वता पर। आज फिर हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं एक समर ड्रिंक जो कि है फालसे का शरबत। कैसे बनाना है ये बताने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर विजिट किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन के साथ में ऑल का ऑप्शन आता है, उसे याद से दबाइएगा जिससे नई नई और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। फालसे जो है अधिकतर गर्मियों में ही आते हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ही आते हैं, जैसे जामुन आते हैं एक छोटे पीरियड के लिए, जामुन और फ्रेंदे इन दोनों में अंतर होता है, उसी तरह फालसे भी आते हैं लेकिन एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना ही शायद फालसे आपको खाने को मिलेंगे। एक नहीं मिलते होंगे तो एक से डेढ़ महीने ज़्यादा मिलते होंगे, हद से इससे ज़्यादा हमें फालसे खाने को नहीं मिलते। तो गर्मियों में जो है इसका सेवन बहुत अच्छा है, ठंडक देता है पेट को भी, तो हमने कहा फालसे खाने में तो स्वाद लगते ही हैं, इसका शरबत और भी स्वाद लगता है। तो आज हम बनाएंगे फालसे का शरबत, जिसके लिए हमें इन्ग्रीडियंट चाहिए जो इस प्रकार है। देखिए शरबत के लिए सबसे पहले तो चाहिए हमें फालसे, देखिए कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे बेर होते हैं छोटे जड़बेरी के उसी तरह से होते हैं ये फालसे। हमें चाहिए चीनी, काला नमक, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी मिर्च चाहिएगी और ये हम यूज़ करेंगे पानी। तो चलिए बनाते हैं। ये लगभग 200 ग्राम के करीब फालसे हैं हमारे, तो चलिए इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे चीनी स्वादानुसार। डालेंगे नमक, सॉरी काला नमक, डालेंगे काली मिर्च पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है ये डाल देंगे इसके अंदर, डालेंगे अपना नमक स्वाद के अनुसार थोड़ा कम क्योंकि काला नमक का उपयोग हम कर ही रहे हैं, और ब्लेंडर की सहायता से हम इसे चला लेंगे। तो सारे मसाले हमने इसको डाल दिए हैं, अब हैंड ब्लेंडर की सहायता से इसे हम पीस लेते हैं। तो चलिए जूस तो हमारा पिस चुका है अब, लेकिन इसको ठंडा भी तो बनाना है। ठंडा बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे बर्फ, जितना ठंडा आपको चाहिए उतनी बर्फ डालिए और इसको आप मिक्स कर दीजिए इस तरह से। ये बर्फ डाल के भी हमने अच्छे से इसको पीस लिया है, ब्लाइंड ब्लेंड कर लिया है। तो चलिए अब इसको हम छान लेते हैं, जो इसके गुठलियाँ होती हैं जो इसके अंदर, वो जिससे छन जाए इसके अंदर और हमें सिर्फ इसका रस मिले। तो अच्छे से हम छान लेंगे, तो ये हमारा अच्छे से छन चुका है। आप देखें कितनी गुठलियाँ निकलती हैं इसमें से, गुठलियों का भी चूरा बन गया है, ज़्यादा मुंह में ना आए इसलिए छान के यूज़ करें। आप चाहें तो मसलन क्लॉथ का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आप मिर्च का उपयोग सोच समझ के कीजिएगा, जितना स्पाइस आप ले सकते हैं उतना ही लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, और इसको चील्ड, मज़ा जो है वो चील्ड करके पीने में ही है, जितना चील्ड होगा उतना स्वाद। तो चलिए इसको हम ग्लास में प्लेस करके आपको दिखाते हैं। तो पेश है खिदमत आप सभी की पेट की ठंडक के लिए एक और समर ड्रिंक, बनाइए पीजिए और बताइए स्वाद कैसा लगा। ये हमने फालसे का बनाया, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है बेल के शरबत की रेसिपी, कैसे बनाएंगे ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो
बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन के साथ में ऑल का ऑप्शन आता है उसे याद से दबाइए, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। बाकी इसी तरह से मैं और ड्रिंक्स आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, आपके जायके बढ़ाती रहूंगी, खाने के साथ साथ पीने के भी फायदे सब आपके साथ शेयर होते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आपको टेस्टिंग करके बता देते हैं, सबसे पहले तो सबसे पहले नहीं सबसे बाद में मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आप लोगों को जब तक मजा नहीं आएगा तब तक आप बनाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे तो फालसे की खटास भी पता चल रही है, मिठास भी पता चल रही है, खटास तो मेरे यहाँ मुझे पता लग रही है, आपको भी पता लग ही रही होगी मेरा मुंह देख के। तो एंजॉय कीजिए, आप अपना एंजॉय कीजिए बना करके, मैं अपना एंजॉय करती हूँ, तो चलिए बाय बाय।